नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पावर स्टार पवन सिंह ने कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए एक बात कही थी और वह बात आज सच हो रही है। वह क्या बात थी, आप खुद ही सुन लीजिए पवन सिंह के मुंह से। लोग कंट्रोवर्सी करके कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन पवन सिंह चुप रहता है तो भी कंट्रोवर्सी में ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह की यह बात एकदम सटीक बैठ रही है और सच साबित हो रही है। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे पवन सिंह के नाम को मिसयूज किया जा रहा है, जानबूझ के उनके साथ अपना नाम जोड़ के लोग टीआरपी कमाना चाहते हैं। कुछ यूट्यूबर उनको डेली टारगेट करते हैं, कुछ भोजपुरी की फेमस अभिनेत्री हैं जो उन्हें हमेशा टारगेट करती हैं, जानबूझ के ऐसे सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने बयान देती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती है। हालांकि पवन सिंह एकदम शांत हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हमेशा उन्हें कोई ना कोई टारगेट करता रहता है। और अब ऐसे में ही एक उनकी फैन बन के आ गई हैं जिनका नाम है सपना। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की बहुत ही सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रही है। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि इसने पावर स्टार पवन सिंह का हाथ में टैटू बनाया हुआ है और ये कहती है कि मैं पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ, उन्हें भगवान मानती हूँ, उनसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। और ये अमृतसर से बिलोंग करती हैं, लेकिन अब यही फैन पवन सिंह के नाम पे टीआरपी कमा रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरीके की टीआरपी, पवन सिंह और उनकी टीम को बदनाम करके ये टीआरपी कमाना चाहती हैं। जब इन्हें पता चला कि पवन सिंह से मिलना कोई हलवा नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, तो इन्होंने पवन सिंह के ऊपर ही इल्जाम लगाना चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपको बताऊं इनकी भूमिका, आप थोड़ा वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में अपने फायदे के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, कुछ भी आके सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने उलझुल वो आके बयान दे सकते हैं। दोस्तों, ये रहने वाली अमृतसर की हैं और पवन सिंह को भगवान मानती हैं, उनकी बहुत बड़ी फैन कहती हैं। क्या इन्हें नहीं पता है कि पवन सिंह ज्यादातर मुंबई में रहते हैं, या फिर आते भी हैं तो आरा अपने पैतृक गांव में रहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता है कि पवन सिंह की फिल्म कब कहां शूट हो रही है, वहां पे जाके उनसे मिल सकती हैं? लेकिन नहीं, ये अमृतसर से निकली और कहां पहुंची, दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने अपना कुछ लोगों को इंटरव्यू दिया, उसके बाद जब इन्हें लगा कि इससे इनका फायदा नहीं होगा तो ये पहुंची पटना। पटना के कुछ पत्रकारों ने इनका खर्चा वर्चा निकाला, इनकी टिकट कराई कि आप यहां आइए, आपको हम वायरल करेंगे और पवन सिंह से मुलाकात करवाएंगे। ये पहुंच गई पटना, पटना में भी काफी लोगों ने इनका इंटरव्यू किया और कुछ टीआरपी कमाई, और लेकिन किसी ने इनको बीच में ज्ञान दे दिया कि पवन सिंह से मिलके आप इतना फेमस नहीं हो पाएंगी जितना आप पवन सिंह को या पवन सिंह के नजदीक में जो रहते हैं लोग उनको बदनाम करके टीआरपी कमाएंगी। बस इनके दिमाग में आ गया और इन्होंने सोचा कि हाँ, यह भी सही बात है, जाऊंगी दो मिनट फोटो खिंचाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मॉडलिंग करती है, मतलब एल्बम वगैरह में काम करती है, ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने क्या इल्जाम लगाया है कि पवन सिंह से मिलने के लिए इन्हें कंप्रोवाइज करना पड़ेगा, किसी ने ऐसा कहा है। हालांकि ये उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बता रही हैं, कई इंटरव्यू डेली इनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें यह चीज कही है कि आपको कंप्रोवाइज करना पड़ेगा, बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई हैं थंबनेल में लगा रहे हैं कि सोना पड़ेगा आपको किसी के साथ में, फिर जाके पवन सिंह साहब की मुलाकात होगी, ऐसे ऐसे थंबनेल भी वायरल हो रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का, सपना जी, आप नाम क्यों नहीं बता रही हैं, आप क्यों नहीं बता रही हैं उस व्यक्ति का नाम? उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए, पता चल जाएगा कि आखिर किसने आपको कहा, पवन सिंह के टीम के किसी आदमी ने कहा या पवन सिंह के नजदीकी कोई इंसान है उसने आपसे कहा? आपको किसने बताया कि पवन सिंह से मिलने के लिए आपको कंप्रोवाइज करना पड़ेगा? आप लोगों को दोस्तों याद होगा, हर हर गंगे की शूटिंग कर रहे थे पवन सिंह जब बनारस में उनका सेट लगा हुआ था, लाखों हजारों लोग डेली जाते थे, उनके फैंस जाते थे, मेल भी थे, फीमेल थी, उसमें सब लड़के लड़की थे, उसमें जाके पवन सिंह से मुलाकात भी करते थे। हालांकि उन्होंने अपने हाथ में टैटू नहीं बनवाया था, फिर भी पवन सिंह उनसे मिलते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे, अपना शूटिंग थोड़ा डिले करके भी उन्हें अपना टाइम देते थे। तो यह कहना बहुत ही गलत बात है कि पवन सिंह से मिलने के लिए आपको कंप्रोवाइज करना पड़ेगा। यह सिर्फ और सिर्फ एक टीआरपी का जरिया है ताकि मीडिया इस मुद्दे को हाईलाइट करे, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के इस समय ब्रांड है और आज से नहीं है, सालों से है। ऐसा जानबूझ के कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि पवन सिंह क्या है, आके जवाब जल्दी देते नहीं है, तो होता क्या है, मामला बहुत खिंचता है। और कुछ जो भोजपुरी के स्टार हैं वो क्या करते हैं, जरा सा देखते हैं कि उनके बारे में कोई उलूल जुलूल बोल रहा है तो वो मीडिया इंटरव्यू का इंतजार ही नहीं करते, फटाक से
फेसबुक में लाइव आ जाएंगे और तुरंत अपनी बात कर देंगे। तो पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास बहुतेरे काम है, बहुत से काम है। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके स्टार प्रचारक भी हैं भैया। उनको बड़े बड़े नेताओं से भी मिलना पड़ता है, फिल्मों की शूटिंग होती है, एल्बम होती है, डबिंग होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको इतना ध्यान ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा सपना जी से, सपना जी पवन सिंह का आप टैटू बनवाइए चाहे ना बनवाइए, पवन सिंह से मिलना, हाँ ये बात तो है, आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस जगह है, किसी को जल्दी पता नहीं होता। जो उनके नजदीकी हैं, मैनेजर हैं, भाई हैं या बहुत खास है, उनको पता होता है। आप पहले ये बता दीजिए कि आप दिल्ली किस लिए आई थी, आप फिर पटना किस लिए गई हैं, आपको मुंबई जाना चाहिए या फिर आरा उनके निवास जाना चाहिए, उनकी माता जी वहां थी, उनका घर है वहां पे, वहां से आपको पता चल जाता पवन सिंह कहाँ है। या फिर आप जब पवन सिंह को भगवान कहती हैं, उनकी इतनी बड़ी फ्रेंड है, सॉरी उनकी इतनी बड़ी फैन है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पवन सिंह इस समय कहाँ और किस जगह हैं। क्योंकि सच्चा फैन तो वही होता है अपने स्टारों का, उसे पता होना चाहिए कि इस समय पवन भैया एल्बम की शूटिंग कर रहे हैं या फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं या कहीं पार्टी विशेष की जगह किसी पार्टी की रैली में वो गए हुए हैं या अपने आरा वाले निवास स्थान पे हैं या मुंबई में है, कहाँ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पवन सिंह की सच्ची फैन नहीं है, आप पवन सिंह को भगवान नहीं मानती हैं, क्योंकि भगवान का पता तो भक्त के पास हमेशा रहता है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कुछ दिन की बात है, 10-12 दिन जो हम जैसे भाई हैं, जो हम जैसे यूट्यूबर हैं, न्यूज वाले हैं, आपकी टीआरपी लेंगे, उसके बाद फिर आपको भूल जाएंगे। आप सिर्फ एक कमाने का जरिया है और कुछ दिन बाद आप भी खत्म हो जाएंगी, ये टैटू आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आपको लोग अच्छा समझ रहे थे कि देखिए एक लड़की होके उसने हाथ में टैटू बनवाया, पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन है, उसको भगवान मानती है। लेकिन अब आपकी छवि थोड़ा निगेटिव हो गई है, आप पवन सिंह के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, उनके आसपास के लोगों को इल्जाम लगा रही हैं कि कंप्रोमाइज करेंगे तब पवन सिंह से मिल पाएंगे। ये चीजें गलत हैं। पवन सिंह ही नहीं, भोजपुरी का कोई भी स्टार हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे गुंजन सिंह जी हो, चाहे फिर अरविंद अकेला कल्लू जी हो, चाहे चिंटू जी हो, कोई भी हो, एक सवाई जेट, जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं या कलाकार हैं, कोई भी कलाकार ऐसा नहीं करता है। हाँ उनके जो आसपास के चमचे होंगे वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सही एड्रेस पता है तो आप पटना क्यों घूम रही हैं, वहां मीडिया वालों से क्यों मुलाकात कर रही हैं, पटना में कहां रहते हैं पवन सिंह? इसका मतलब है आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, टीआरपी। आप फुटेज खाना चाहती हैं और आप एक मॉडल हैं तो सोच रही हैं इसके जरिए आप थोड़ा टीआरपी में आएंगी और आपको काम मिल जाएगा, जो कि अक्सर भोजपुरी में आजकल एक्ट्रेस कर रही हैं, टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी करती हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप ही जनता जनार्दन हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही मुझे बताइए। अगर आपको पता है कि पवन सिंह आरा में या मुंबई में उनका निवास है तो आप पटना क्यों जाएंगे या फिर आप दिल्ली क्यों जाएंगे और वहां मीडिया वालों से मिलकर अपना इंटरव्यू धड़ाधड़ क्यों करेंगे? जब आपको पता है कि पवन सिंह है ही नहीं वहां और आपको पवन सिंह से मिलना है तो आप ही समझिए और आप ही अपनी बुद्धि का यूज करिए और बताइए कि क्या सपना सही है या फिर गलत है। धन्यवाद।